अच्छा, हमने पहले MGT602 को डिस्कस किया था कि वो MGT501 की नस्बत ज़्यादा इजी रहेगी। तो अब जब सीनियर के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं उनका यही कहना है कि ये जो हैंडआउट्स हैं ये MGT602 के अब नहीं हैं, उसकी जगह थीम्स आ चुके हैं। तो मैंने थीम्स गूगल से देखे, वहाँ तो थीम्स थे नहीं, ये मुझे किसी वेबसाइट से मिले हैं थीम्स MGT602 के। तो इस तरीके से अगर ये थीम्स बनी हुई हैं तो ये तो मुश्किल हो जाएंगी पढ़ना, क्योंकि इतने लंबे लंबे पैराग्राफ, उसमें ये चीज़ें हेडिंग्स वेडिंग्स पॉइंट्स, और ये मुश्किल हो जाएगा थीम्स MGT602 के पढ़ना। और एक थीम्स में ये चीज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी, ये जो इतने स्टेप वाइज है ना चीज़ें, हैंड अगर थीम्स उठा के देखो ना, तो ये चीज़ें इस इन सब को माइंड में स्टोर करना ये मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी निस्बत MGT501 अब इजी है, क्योंकि उसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलेंगी, सिर्फ कंसिस्टेंसी एक्सपीटाइज टोटल। अच्छा, एक जॉब एनालिसिस, इसमें चीज़ें ज़्यादा पढ़ी भी होंगी हमने, पॉइंट वाले ज़्यादा नहीं मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी है टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर, सब सिस्टम, लेकिन यहाँ पे इसका ये बेनिफिट है, ये मिल जाएगा कि हमने बहुत से जो टॉपिक्स हैं ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर, द पर्सन, ये हमने चीज़ें पहले से हमारी माइंड में बैठी हुई हैं। स्किल्स एंड एबिलिटीज़ का हमें पता है, पर्सनैलिटी का हमें पता है MGT501 में, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, एथिक्स क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें पता हैं, ये हम इजीली कर लेंगे। द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ग्रुप, जॉब, पर्सनल लाइफ, ऑर्गेनाइजेशन, MGT501 में बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हुई हैं, बस हमने रिवीजन करनी होगी। इंटर्नशिप्स, ये नया इंटर्नशिप्स, एकेडमिक डिसिप्लिन, ये सब तो हमने पढ़ना पड़ेगा, हमें ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। डेविड सी, इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटर डर्कर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब चीज़ें हमें MGT602 में पढ़नी पड़ेगी पहले। और भी चीज़ें क्या है, मिस्टर पोर्टर, ये सब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंडेक्स, ये चीज़ें हम पहली दफ़ा ही पढ़ रहे हैं, ये तो हमें कुछ, क्रिएटिविटी डज नॉट फिट दी, ये सब हमें कुछ भी माइंड में नहीं बैठ रहा कि इसमें क्या है। MGT501 में बैठ रहा है स्किल्स एंड एबिलिटी, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, एथिक्स, ये सब क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये सब हमारे माइंड में चीज़ें बैठी हुई हैं, हमें सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है जस्ट। तो अब MGT501 रखो, वो ज़्यादा इजी लग रही है MGT602 की निस्बत, क्योंकि उसमें थीम्स है और कहीं मुझे मिले भी नहीं, ये तो सिर्फ एक थीम है, आगे थीम 2 भी आएगा, थीम 3 भी आएगा, वो अभी मुझे मिल नहीं रहे गूगल पर। तो और इसमें MGT पहले वाले थीम में ही हमने सब कुछ हमारे सर के, मेरे तो सर के ऊपर से ही गुजर रहा है भाई। अब मैं MGT602 जो पहले रख रहा था वो नहीं रख रहा, MGT501 ही रख रहा हूँ, इसलिए जो भी मेरी फाइल्स से करना चाहेगा क्विज, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि वो MGT501 ही रख ले, क्योंकि मैं इसी की फ़ाइल बनाऊँगा MGT501 की, MGT602 नहीं है मेरा सब्जेक्ट, तो वो नहीं बनाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।